पहली बार हम जो है कैमरा के सामने आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इतना मोटा ही किताब है, इतना मोटा ही किताब है, और एक किताब का नाम है भीम भाई ग्रंथावली। अपने जितने भी सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं सबको इकट्ठा करके इसी ग्रंथ में स्थान दिया गया है। तो यही ग्रंथ प्रमाण देता है कि भारत जो है आठ खंड में भारत विभाजित होगा और आगे चल के 6 महीने 6 साल तक गुलाम भी होगा। जी गुलाम होगा का बात लिखा है। अच्छा वो जिन लिखे थे अमेरिका के जो भविष्य ये सिर्फ लिखे है कि आठ डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स उसका मतलब वही होता है। पर वो सोचे शासन चलेगा 4-6 साल लग गया तो उसमें क्या है। इसके बाद पहला इंटरेस्ट बढ़ा, कुछ किताब पिताजी का था जैसा, ये भी पिताजी का पैदावा किताब है। देखिए ये जो किताब है ये बिल्कुल छोटे छोटे पतला पतला एक किताब है, लेकिन ये काफी पुराने हैं। ये लगभग 1960 की किताब है, 60 का पहले का, 60 से पहले का किताब है, और इसका मूल्य है मात्र 50 पैसा। 50 पैसा है ये किताब। और ये सब पिताजी का किताब थे सब। अच्छा, ये भी पिताजी का किताब थे। इसका नाम है चुंबक मालिका। चुंबक मालिका जो है ये भी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे किताब है, बहुत कम किताब है जो हम कैमरा के सामने। इसमें कुछ किताब है जिसको मैं बाइंडिंग करके रख दिया था, इसलिए अच्छा है। हम चाह के भी आपको दिखा नहीं पाएंगे, वो थे भी हैं। तो क्या है जी, उसको लाके पढ़ना चालू किया मैंने। जी जी जी, तो उसमें कुछ मिला हमको, लिखा हुआ है जगन्नाथ जी के बारे में लिखा हुआ है, पुरी के बारे में लिखा हुआ है, छत्रपति के बारे में लिखा हुआ है। लोग बोलते थे, हम हंसते थे उस टाइम, है ऐसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होता था, विश्वास नहीं होता है। कब की बात है ये लगभग सर, कब की बात है ये? 82 यस। अच्छा से लगभग 40 साल पहले की बात है। यस यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 82 में उसके बाद मैं खुद खरीदना गया, जहाँ जो बालिका किताब मिलता था खरीद लेता था। फिर मुझे एक आदमी बोला कि देखिए ये सब किताब तो प्रिंट होता है उधर धर्मग्रंथ स्टोर में, वहाँ जाइए आपको सब किताब मिल जाएगा। किताब मिल जाएगा, अच्छा। तो वहाँ गया मैं, मेनली अच्युत जी का और जसवंत दास का कुछ किताब मिला उधर, एंड आई वेंट एंड कलेक्टिंग। तो आने वाले समय में ये जो युद्ध की परिस्थिति है ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा या फिर वो और रुकेगा, एंड स्पीड पकड़ेगा, ये चलेगा एंड तक। एंड तक कब? यस, तक यस 28 तक। 28 के बाद की जो समय है वो सेटलमेंट, 28 के बाद में सेटलमेंट नहीं होगा। 28 के बाद में प्रभु भक्त का परीक्षा करेंगे। प्रभु सामने कब आएंगे है? सामने कब आएंगे? परीक्षा होगा, उसके बाद प्रलय आएगा, जो बोला ना जो उल्का पिंड गिरेगा पृथ्वी का ऊपर, पृथ्वी उल्ट जाएगा, वो चीज होगा। वो सेटल होते होते जाएगा 36 तक। अब देखेंगे हम जो ये एक एपिसोड किए थे, एक पक्ष में चंद्रग्रहण सूर्य पर हो रहा है, दैट्स ये सिलसिला चलता रहेगा आपको 36 तक। उसका मतलब 36 तक पृथ्वी शांत नहीं होगा, यह ये सब होगा होगा। सैंतीस और नहीं है चंद्रग्रहण सूर्यपर का जो सिलसिला 37 से बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये सिलसिला जो है 37 तक लगभग चालू रहेगा। 6-7 साल लगेगा प्रभु को सेटल करने के लिए, थैथान करेंगे, उसको विवाह कराएंगे, किसका स्वामी नहीं है, किसका स्त्री नहीं है, किसका धन नहीं है, सबको सेटल करेंगे वो लोग। जी जी जी, और उस टाइम क्या होगा, 7 ग्राम मिलकर 1 ग्राम होगा, 7 गाँव एक गांव में 7 आदमी रहेंगे। 7 आदमी, फिर आप तो जरूरत नहीं है किसी, तुम्हारा लैंड ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो जमीन ही जमीन है, जमीन। सब तो आपका ही है, बस सब आपका है। और नहीं रहेगा भाई, ठीक है तुम तो ले लो भाई, और 100 एकड़ लैंड ले लो, 7 लोगों को मिलकर 7 गांव, मतलब जो करना है तुम अकेला करना पड़ेगा, गांव आ जाएगा, तुमको अकेला करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तुमको साझे करने के लिए। अच्छा, कितना जमीन तुम करेगा, खेती जो है करोगे कि तो जमीन वही जाना, बात सही है। तो ऐसा रहेगा लिखा हुआ है पालिका में, पैसा
इसलिए सबको गोल्ड फोल्ड ये सब चीजें जो सो ऑर्नामेंट्स इससे रास्ता में पड़ा है कोई देखेगा नहीं उसको, सबको जो है उसका दिखाएगा क्या, उसको खाना तो नहीं मिलता है। बात सही है। अब 100 ग्राम सुना देने से कोई 1 ग्राम चावल आपको नहीं देगा। अच्छा अच्छा क्यों नहीं होगा, तो क्या करेगा सुना को लेकर। तो युद्ध के जैसे बात हम कर रहे थे, तो भारत जो है कब लगभग फंसेगा, मतलब युद्ध का सामना करेगा। लगभग 24 से 24 आ तो गया 24 से चांस है। कैसे मतलब, कुछ भी है नहीं एकदम ऐसा हो जाए जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ। हाँ उनको पता नहीं था, उनका प्लानिंग चल रहा है, उनके जो बड़ी जो इंटेलिजेंस है मोसाद, उनको रातों रात खबर ही नहीं है हमारे ऊपर अटैक होगा। कोई कोई अभी 2 साल से पाकिस्तान सीजफायर बंद किया था, सीजफायर था अभी चालू कर दिया 2 दिन पहले गोली सिलसिला बढ़ेगा बॉर्डर पर था, वो लक्षण है मालूम पड़ जाएगा क्या है मेंटेलिटी। आप लोग तो आप बोलने में तो 24 में अगर भारत मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फंसेगा, मतलब 24 में नहीं हुआ तो 25 में श्योर, 25 में पक्का होगा पक्का शनि से, ये भी शनि योग आने के बाद इससे शुरू होगा, मीन शनि का योग भी आ रहा है 25 में, तब टेंशन का मामला और बढ़ जाएगा श्योर, कोई रुक नहीं पाएगा। उड़ीसा का फंसेगा, उड़ीसा का 25 में हो सकता है 26 में हो सकता है, 24 में 26 में। अब बोलो अगर उड़ीसा 26 में फंसेगा तो उससे पहले दिल्ली कैप्चर हो गया होगा, लिखा हुआ है, लिखा है ऐसा। रशिया दिल्ली को शासन करेगा लिखा हुआ है। ओके ओके, हम क्या करेगा, रशिया जो है दिल्ली को शासन, रशिया तो हमारा मित्र देश है जो है, वो क्या करेगा उसमें, जो लिखा हुआ है वो बोलता है, क्यों करेगा कैसा करेगा हमने हमको मालूम नहीं। अच्छा मतलब आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सिनेरियो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा नेचुरली। और जो हमारा अगर मान लीजिए कहलाता है दिल्ली को रशिया शासन करेगा, ये प्रभु का प्लानिंग में है, तो कैसा भी घटेगा कैसा भी होगा, प्रभु का प्लान तो है तो होकर जो हो रहा है अभी प्रभु प्रभु की इच्छा में हो रहा है, जो होगा प्रभु की इच्छा में ही होगा। अच्छा यह कल की रखा मेन तत्व, सब वही करेगा लेकिन नाम दूसरा लोग नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, जो सब झूठ है जो करता है वही करता है। जैसे कि मालिका में लिखा है कि जो दुष्ट लोग हैं उन्हीं के हाथों में ही दुष्ट लोगों को मरवाया जाएगा, दुष्ट दुष्ट का मारे प्रभु का काम आसान हो जाएगा, दुष्ट आदमी जो है वो दुष्ट को ही बस करेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा अच्छा सब जगह में ऐसा ही होगा। तो मतलब जैसे आप बोले कि जो युद्ध का सामना जो है भारत करेगा तो कई नुकसान भी तो होगा भारत का, तेरा मुस्लिम जो अटैक करेंगे तो अटैक करेंगे नुकसान तो होगा भारत का, काफी नुकसान जी। अभी अपना पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख है, आ जाके 33 करोड़ को। आप देखिए हिस्ट्री देखिए इंडिया का अप टू इंडिपेंडेंस, इंडिया का पॉपुलेशन फ्लक्चुएट बिटवीन 33 करोड़ एंड 35 करोड़, भारत का पॉपुलेशन जो थे जनसंख्या 33 करोड़ से लेके 35 करोड़ के बीच में रहता था, उसके ऊपर नहीं जाता था। अभी तो बहुत ज्यादा 60-80 साल में कितना हो गया, 500 साल में बहुत ज्यादा हो गया, 140 कितना गुना हो गया, 5 गुना ऑलमोस्ट हो गया, उसको लाना है वही। अच्छा वही लेवल को लाना है उसको, 5 गुना जो है कम करना है उसको, लाना है वही लेवल को। हां दैट इज अ परफेक्ट लेवल फॉर इंडिया। अच्छा भारत देश के लिए वो परफेक्ट लेवल है नेचुरली। और पूरे विश्व में कितना रह जाएंगे, पूरे विश्व में कितना, पूरा विश्व में आपका मान लीजिए मेरे हिसाब से 110 करोड़ कोई बोलता है, 64 करोड़ भी बोलते हैं कोई लोग, कोई सोचता है 64 करोड़, मेरा कैलकुलेशन 110 करोड़ रहेंगे। अच्छा 110 करोड़, 111 कंट्री रहेगा, 111 कंट्री बच्चे डूब जाएगा, जैसे कि मालिका में लिखा है कि खत्म हो जाएगा। 111 जो देश हैं वो सनातन धर्म को भी मान्यता देंगे और मालिका को डेफिनेटली जो लिखा हुआ है मालिका में जरूर होगा, जो लिखा है मालिका में। अभी देखिए आप अफ्रीकन कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज में हिंदू धर्म को लिए अट्रैक्ट हो रहे लोग, अमेरिका में भी देखिए, रशिया में भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, वहाँ पे रथ यात्रा हो रहा है, इससे बड़ी प्रमाण और क्या चाहिए। आपका अफ्रीकन कंट्रीज आर ऑलमोस्ट मुस्लिम, वहाँ पर भी हिंदू धर्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑल इन अफ्रीकन कंट्रीज में हिंदू धर्म है,
अमेरिका तो है, पुतार दूर से चल रहा है, रशिया में भी है, तकलीफ चीज। अच्छा, इनका संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब प्रभु आ जाएंगे और भी तेजी से बढ़ेगा, और बढ़ेगा। अच्छा, प्रभु खुद प्रचार करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जगन्नाथ बलभद्र ये दोनों प्रचार करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वीडियो हो रहा है लंबा, आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने काफ़ी मूल्यवान समय दिए हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल को। आप अभी लंबे समय से सुन रहे थे मालिका रिसर्चर और कल की लीला पुस्तक की राइटर श्री पुलिन बिहारी पांडा जी से। बहुत ही जल्द ये जो कल की लीला किताब है जो उड़िया भाषा में अभी प्रिंट हुआ है, उसका बहुत ही जल्द हिंदी के जो ट्रांसलेशन वर्सन आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि श्री पुलिन बिहारी पांडा वही बोल रहे थे कि जो जो भविष्य मालिका में लिखा है वो सब जो है धीरे धीरे बिल्कुल सत्य में रूपांतरित हो रहा है। जैसे कि श्री अच्युतानंद दास ने लिखे हैं, उड़िया में लिखे हैं, पृथ्वी बेनिफाड़ हेले होइब, पूर्व भानु पश्चिमरे उइब, पर्वत शिखरे फुटिब कहीं, अच्युत वचन टलिब नहीं। इसका मतलब यह है, अगर सूर्य देवता जो है अगर वो पश्चिम में उदय होंगे और पर्वत की शिखर पर अगर वो पद जो कमल जो है खिलेगा, तब भी जो सत्य है, जो अच्युत महापुरुष ने जो लिखे, जो भविष्यवाणी लिखे हैं, और वो अक्षर अक्षर में वो सत्य साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ, जय पंचायत।